Hello and welcome. In this video we are going to talk about the life cycle of the bryophyte, liverworts and mosses. Okay. सबसे पहले हम बात करेंगे liverworts के बारे में. ठीक है, liverworts और mosses में ज़्यादा कोई डिफरेंस इससे नहीं होता है, बस एक स्टेज का एक्सेसन हो जाता है उस किसके अंदर, mosses के अंदर. तो सबसे पहले अपन liverworts को देख लेते हैं किस टाइप की उसकी लाइफ साइकिल है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट. ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और थेलोफाइटा की अगर लाइफ साइकिल देख रहे हैं तो इसमें दो चीज़ें तो आपको मिलेगी, जो भी प्लांट किंगडम है उसमें दो चीज़ें मिलेगी आपको, स्पोरोफाइट और दूसरा मिलेगा गेमेटोफाइट. स्पोरोफाइट से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, हैप्लोइड स्पोर्स. गेमेटोफाइट से क्या बनते हैं, हैप्लोइड गेमिट्स बनती हैं. ठीक है, ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. तो सबसे पहले अगर हम लिवरवॉर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग जो फेज़ है, हम लिवरवॉर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिख लेते पहले हेडिंग. ठीक है, अब जब हम इसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो लाइफ साइकिल में अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट करेंगे हम स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी से. ठीक है, चलो गेमेटोफाइट से स्टार्ट करते हैं. देखो लिवरवॉर्ट्स का अगर डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा. ठीक है, यहाँ पर कुछ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. अब देखो इसमें क्या है, डायग्राम को अच्छे से बनाते हैं, वापस बना रहे हैं. ठीक है, यहाँ से चलने के बाद कुछ इस टाइप कंपोजिशन इसके ऊपर मिलेगा. कुछ लीफी स्टेज आपको यहाँ पे दिखेगी और यहाँ से चलने के बाद एक स्टेप से इस टाइप का शेप आएगा और ये वाला डायग्राम आपकी बुक में है. ठीक है, अब देखो अलग अलग चीज़ें. यहाँ से अब देखो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा जी गेमेटोफाइट. गेमेटोफाइट और इस वाले पार्ट को कहते हैं स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट से क्या बनते हैं, स्पोर्स. गेमेटोफाइट से क्या बनते हैं, गेमेट. तो देखो प्रोसीजर कैसे चलता है कि सबसे पहले कुछ स्पोर्स यहाँ गिरे, ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले स्पोर्स गिरे, ये वाले स्पोर. अब ये स्पोर क्या हो जाता है, जर्मिनेट होता है. इस जगह क्या होता है, जर्मिनेट होता है. जैसे वो जर्मिनेट होता है तो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइट. ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ स्पोर्स से क्या बना, गेमेटोफाइट बना. और गेमेटोफाइट के यहाँ पर ये जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दो तरह की गेमिट्स फॉर्म होती है. गेमेटोफाइट का काम है गेमिट बनाना, तो यहाँ पे क्या बनता है, गेमिट्स बनते हैं. तो जब मेल गेमिट फीमेल गेमिट के साथ फ्यूज होता है तो क्या बनता है, फिर बनता है बेटा स्पोरोफाइट. जब गेमिट फ्यूज हुए तो क्या बना, यहाँ पर जाइगोट. जाइगोट आगे जाके डेवलप होता है स्पोरोफाइट में. और स्पोरोफाइट का ये वाला जो टेक्सचर देख रहे हैं इसको बोलते हैं कैप्सूल. इसी कैप्सूल में क्या बनते हैं, स्पोर्स. हैप्लोइड स्पोर्स. और जहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है बेटा, ये होता है डिप्लोइड स्टेज में. डिप्लोइड स्टेज में क्या होता है, क्योंकि जब दो गैमेट मिले तो दो गैमेट जो है हैप्लोइड है. ठीक है, ये भी जर्मिनेट हुआ तो गेमेटोफाइट हैप्लोइड है. तो जब दो गेमेट बने तो दोनों गेमेट हैप्लोइड, हैप्लोइड जब फ्यूज हुए तो जाइगोट बना. और जाइगोट क्या होता है, डिप्लोइड. और डिप्लोइड जाइगोट से क्या बना, डिप्लोइड स्पोरोफाइट. डिप्लोइड स्पोरोफाइट में मियोसिस की प्रोसेस करी और मियोसिस की प्रोसेस करके क्या बनाया, हैप्लोइड स्पोर्स.
वही स्पोर्ट्स वापस से सॉइल के अंदर जाते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं और वापस से गेमिटोफाइट बनता है। तो ये लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक है। पर अगर हम बात करें मोसेस की, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो मोसेस और लिवरवॉर्ट्स में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स बनते हैं, तो स्पोर्ट्स के बाद क्या हुआ, लिवरवॉर्ट्स में डायरेक्टली गेमिटोफाइट बना। पर इसमें गेमिटोफाइट और स्पोर्ट्स के बीच में एक और स्टेज आती है जिसको बोलते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। किस क्या बोलते हैं? प्रोटोनेमा स्टेज। जगह को इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब होता क्या है कि जो स्पोर्ट्स आई हैं, वो स्पोर्ट्स जब जर्मिनेट होती हैं तो डायरेक्टली गेमिटोफाइट बनाती है। वो कुछ स्ट्रेट लाइक प्रोजेक्शन टाइप से एक स्ट्रक्चर बनाती है ब्रांच पर, और पूरा सॉइल पे फैल जाता है अच्छे से, स्प्रेड होता है। और स्प्रेड होने के बाद फिर यहाँ पर गेमिटोफाइट बनता है, एक यहाँ पर बन जाता है, फिर यहाँ पर बन जाता है, फिर यहाँ पर बन जाता है। तो गेमिटोफाइट कब बन रहा है? एक प्रोटोनेमा स्टेज आने के बाद, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनती है, उसके बाद जाके क्या बनता है, गेमिटोफाइट। तो ये होता है एक मोसेस, मतलब एक एडवांस इसमें स्टेज जुड़ी है। तो ब्रायोफाइट में जो मोसेस है उसमें प्रोटोनेमा स्टेज एक्स्ट्रा आती है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट स्पोर्ट्स जर्मिनेट करते हैं और गेमिटोफाइट बनता है। इसमें स्पोर्ट्स क्या बनती है, सबसे पहले प्रोटोनेमा स्टेज में बनती है, जहाँ पर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, जैसे स्प्रेड होता है, एंड देन गेमिटोफाइट उन प्रोटोनेमा स्टेज पर फॉर्म होता है। तो ये है आपके सामने दोनों का स्टेज। आज के समय में इतना ही।